तो ये देश के कानून के तहत जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करते हुए राहुल गांधी ने अपील की सेशन कोर्ट में, जो जिला अदालत होती है नीचे वाली अदालत के खिलाफ, और इसके लिए वहाँ पे आज वो गए थे अपनी बहन प्रियंका जी के साथ। अब कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो नेता हैं वो स्वतः वहाँ पे गए, क्योंकि सब राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो लोग तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे। तो सारे लोग वहाँ गए और उनको अपने आप वो लोग गए। तो इसको ये कहना जो बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं कि साहब वो पूरा शक्ति, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, अपने आप लोग पहुंच गए। जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे लाखों लोग कैसे उमड़ रहे थे, तो इसलिए लोग तो स्वयं जाते ही हैं वहाँ पे। अभी है कि कोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ा दी है और 13 अप्रैल से सुनवाई शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि कानून अपनी प्रक्रिया का पालन करेगा और निश्चित रूप से चूंकि केस में कोई दम नहीं है उनको राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। सर उन्होंने कहा कि हाँ वो बराबर वही चीज कह रहे हैं कि हम जो है सत्य बोल रहे हैं और सत्य पे अडिग रहेंगे चाहे जो, ये उन्होंने पहले कहा। वेल द पीरियड ऑफ द बेल हैज बीन एक्सटेंडेड एंड द रेगुलर हियरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 13th of April। सो राहुल जी इज फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोसीजर एंड एज पर द लॉ ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड प्रेजेंटेड हिज केस एज you know the court has decided to hear the case from 13th of April, which is a good thing. I hope that since this case is very frivolous and trivial, so he'll definitely get a relief, because you know the way the whole thing had been done by the lower court, he has got a very strong case against that judgment, so I think he would definitely succeed in that. This is what we all hope. As far as BJP's allegation that he was he was there to show off his strength and lot many people went there, so he did not invite anyone. The people went there on their own. I mean, in this Bharat Jodo Yatra, lakhs and lakhs people are turning up. Why they were turning up? Similarly, he was Congress president, he was a national leader, so obviously people will go there. So lot many congressmen, sympathizers, supporters, they all went there saying that they all had been taken and Congress had taken them is completely rubbish. देखिए मैं मानता हूँ बंगाल की हिंसा पे कि जो भी बंगाल की में हिंसा चल रही है राज्य सरकार उसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा लेने की जो कोशिश हो रही है उसको राजनीतिक मुद्दा जो बनाया जा रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।